नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भारत के बॉलीवुड सिंगर बी प्राक गोरखपुर पहुंचते ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर काफी बदल गया है। यहाँ पर रामगढ़ताल झील बहुत सुंदर है, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं के हैं, मैं उनसे अभी तक मिला नहीं, उनसे मिलने के लिए मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा कि हर किसी का दिल टूटा हुआ है, मैं उनकी आवाज हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाबी और हिंदी गाने मिक्स होकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रवि भैया के वजह से आया हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा यहाँ का रामगढ़ताल झील है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने कहा, बारी आया हूँ और यहाँ से हमें भैया ने बुलाया है और गोरखपुर वासियों ने बुलाया, उनका प्यार हमें यहाँ पर लेके आया और मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबको मिलने के लिए और रवि किशन भैया को मिलने के लिए और जो वो करते हैं गोरखपुर के लिए। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग प्यार करते हैं और बहुत बाहर भी भीड़ लगी हुई है, ये लोगों का प्यार है और आप सब भी चलिए वहाँ पे देखिए। गोरखपुर पहली बार आना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार ही हुआ है। तो कैसा लगा गोरखपुर? आप उतरे यहाँ पे, आए यहाँ की सड़कों से गुजरे तो आपको एहसास हो रहा था कि मुख्यमंत्री के शहर में आ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा था। मतलब कि मैं जब और झील देखता आया हूँ मैं यहाँ पे और सब बहुत ही, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपके गाने में काफी दर्द दिखता है, कभी आपका दिल टूटा है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं वैसे, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत इस दुनिया में सभी के दिल टूटे हुए हैं, बस उनकी आवाज़ हूँ मैं और टूटे दिलों की आवाज़। बिल्कुल, ये बहुत हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सबको बहुत एक रिक्वेस्ट करी है कि 22 जनवरी को दिवाली बननी चाहिए, तो हम भी मना रहे हैं, आप सब भी मनाइए और सबको मनानी चाहिए क्योंकि आपका कोई जाना आने वाला है। बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अच्छा, आज जो आप बॉलीवुड लेकर के कुछ दोस्त सब लोग गुनगुना के हमने बताएंगे कि आज क्या कुछ खास इस तरह का। मैं एक मिनट, हाँ अच्छा, हे दुख बंधन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब तो सबके झुका हो गया है, नहीं हो गया, नहीं है तो बचपन से ही है, अब आपको दिख रहा है सोशल मीडिया। कलाकार जिसके लिए आप बचपन से कभी गाना चाहते हो वो है कि नहीं है, ऐसा कोई कलाकार जिसके लिए आप गाना चाहते हो? मैं सर जिनके लिए गाना चाहता था उनके लिए गा लिया है, तो मैं अक्षय कुमार जी के लिए गा लिया हुआ है और ऋतिक रोशन जी के लिए गा लिया, रणबीर कपूर के लिए गा लिया है, बाकी देखो राधा रानी अपने आप कृपा करेंगे, जो जो आते हैं उनके लिए गाते हैं। अच्छा, गोरखपुर आप आए, गोरखपुर से रेडिशन आए, यहाँ भी आपका भव्य स्वागत हुआ, गोरखपुर और रेडिशन के क्या अनुभव आपने किया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इन्होंने स्वागत करा है मेरे गाने पर, इन्होंने बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस करी है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बड़ा अच्छा लग रहा। मुझे लगता है कि मैं जब वहाँ पे स्टेज पर जाऊँगा तो लोगों का प्यार और हमें ताकत देगा। करियर में कब इस मोमेंट पे आपको लगा कि हाँ मेरी गाड़ी चल पड़ी है, अब मैं सेटिस्फाइड? पता नहीं, मैं तो सेटिस्फाई हूँ नहीं सर, मैं अभी तक नहीं हूँ सेटिस्फाइड। जिस तरह पंजाबी गाने पसंद किए जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले टाइम में बाकी सिंगर का क्या होगा? नहीं, पंजाबी सिर्फ पंजाबी थोड़ी, हिंदी पंजाबी दोनों मिक्स है, सब गाने पसंद करे जा रहे हैं, अब वो मिक्स होके आ रहे हैं आजकल, बस ये है थोड़ा बहुत। कलाकार लगातार देखा जा रहा है आगे की ओर मूव कर रहे हैं, क्या भविष्य में आपकी भी कोई? नहीं जी, नहीं जी सर, हमारा काम जो जिसका काम उसी को साझे, और देखो मैं एक
गाने वाला हूँ मेरे को तो यही आता है सर। योगी जी से मिलने का मौका कभी मिला? नहीं सर मिला नहीं, बट जरूर मिलना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी इच्छा है। मतलब के कोई नहीं आता। अरे सर बहुत अच्छी बात है। आज हम दर्शन भी करेंगे गोरखपुर के बारे में, जरा कुछ अपने जो समझ में आया हो। सर बहुत अच्छा लग रहा है और अब लोगों को आगे जाके मिलेंगे स्टेज पर, और मैं जब सबसे मिलूंगा तो मेरे को पता है कि उनको मिलकर उनका प्यार देखकर बहुत ताकत मिलेगी।